और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नोएडा के दादरी थाने में दर्ज कोविड-19 और आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट ने अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की आपराधिक कार्यवाही और चार्जशीट संज्ञान आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2024 को होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने की, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने हाईकोर्ट में अखिलेश यादव का पक्ष रखा, जिसमें लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताते हुए पुलिस चार्जशीट को रद्द करने की मांग की। ये प्रकरण दादरी थाने में एक FIR दर्ज हुई थी सन 2022 में फरवरी महीने में, जिसमें सब इंस्पेक्टर ने यह एलिगेशन लगाया था कि माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी जब कन्वेसिंग के दौरान निकले थे तो इन्होंने बहुत भीड़, साथ ही साथ जो गाइडलाइंस थी कोविड-19 के लिए उसका भी उल्लंघन किया था। इस केस में चार्जशीट 10 महीने बाद लगी और 2023 में संज्ञान हुआ था। माननीय उस न्यायालय में मैंने चुनौती दिया था उस संज्ञान आदेश को और वो चार्जशीट को, जिसको सुनवाई करने के बाद माननीय उस न्यायालय ने आज वो सारे प्रोसीडिंग जो लोअर कोर्ट में पेंडिंग थी उसको स्टे कर दिया। स्टेट को नोटिस इशू किया है, 21 जनवरी डेट लगाई है और स्टेट इस पे अपना जवाब लगाएगा जो भी हमने अपनी दलीलें माननीय उस न्यायालय में रखी उस पे। क्या तर्क थे इस तरीके के? पहला तर्क ये था कि जो भी ऑर्डर का या जो भी गाइडलाइन का वायलेशन हुआ है उन ऑर्डर को केस डायरी में सम्मिलित नहीं किया गया, उन गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ था उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और सिर्फ प्रिजम्पशन पे वो चार्जशीट लग गई है। दूसरी दलील मेरी ये थी कि ऐसे प्रकरण में जिसमें 188 में कोई आदमी अपराध करता है तो उसमें सिर्फ कंप्लेंट दाखिल हो सकती है और वो भी वही ऑफिसर कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है जिसके ऑर्डर का किया है। इस केस में सब इंस्पेक्टर द्वारा FIR करी गई थी बिना किसी आदेश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा या और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत बैनर्जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बड़ी राहत के तौर पर अखिलेश के लिए से देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहाँ नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में उन्होंने उन कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था फरवरी 2022 में, यह मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव को ने आचार संहिता के उल्लंघन और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में जो पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने दायर किया था, अपना मामला दायर किया था। उनकी याचिकाएं पर सुनवाई करते हुए पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया है और अब उनको इस पूरे मामले में चूंकि राहत मिली है तो कहीं ना कहीं उनकी विधानसभा की सदस्यता और अन्य सभी मामलों में भी उनको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल इंद्रजीत, और वहीं अब अगली सुनवाई जैसा कि 21 जनवरी को होनी है, ये सुनवाई किन किन बिंदुओं को लेकर अहम मानी जा सकती है? इसके बाद अगर बात करें कि अगली सुनवाई की तो अगली सुनवाई का डेट मुकर्रर किया जा चुका है और इसकी वजह से अब हम इस तारीख को यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो 21 जनवरी को प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत भी हो सकते हैं और अपना पक्ष भी रख सकते हैं। अब इसमें जहां तक ये बात की जा रही है, जो वकील का कहना है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें कई निराधार तत्व भी हैं और जो अभिलेख दिए गए हैं वो भी उसमें भी कई मामलों में जो है वो गलत जानकारियां दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब इस पूरे मामले में राहत मिलेगी और जो मामला पुलिस द्वारा दायर किया गया है वो भी संभवतः खारिज हो सकता है। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।